आप देख रहे हैं punjabkesari.com और बढ़ते हैं इस वक्त की पांच बड़ी खबरों की तरफ। उदयपुर रेलवे ब्रिज ब्लास्ट में टेरर एंगल सुपर पावर 90 डेनोनेटर से हुआ है धमाका। राजस्थान के उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक पर किया गया विस्फोट आतंकी कार्यवाही के तहत है। बता दें कि राजस्थान पुलिस ने अपने FIR में इसका खुलासा किया है। इस मामले में राजस्थान पुलिस ने आतंकी साजिश रचने से जुड़ी धाराएं लगाई हैं। FIR में दर्ज भी धाराएं ये जारी की गई हैं। राजस्थान पुलिस ने अपनी प्राथमिकी जांच में पाया है कि उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक पर हुआ धमाका आतंकी हमला है। इस हमले के बाद पटरी टूट गई थी। इसी टूटी हुई पटरी से होकर ट्रेन गुजरती तो बड़ा हादसा हो सकता था। भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेंगे राहुल गांधी, 22 नवंबर को गुजरात में करेंगे चुनाव प्रचार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 22 नवंबर को गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे। वो कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर गुजरात का दौरा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक गुजरात में 2 चरणों 1 और 5 दिसंबर को चुनाव होने हैं। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार नहीं करने के कारण पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को बीजेपी की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था, जहां 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव हुए थे। पाकिस्तान की हार पर कश्मीरी छात्रों का हंगामा, बिहारी स्टूडेंट्स ने किया विरोध, हुई जमकर पत्थरबाजी। जम्मू कश्मीर के छात्रों का एक ग्रुप रविवार को पंजाब के मोगा जिले में गल कलां गांव में लाला लाजपत राय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के परिसर में बिहार और अन्य छात्रों के साथ भिड़ गए। बता दें कि इस घटना में दोनों पक्षों के कुछ छात्र घायल भी हुए हैं। सूत्रों को मिल रही जानकारी के अनुसार T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के हाथों पाकिस्तान की हार के बाद ये हंगामा हुआ, जहां पर पंजाब की यूनिवर्सिटी में कश्मीरी और बिहारी स्टूडेंट्स में झड़प हुई। इस्तांबुल बम ब्लास्ट के कुछ घंटे बाद संदिग्ध हमलावर गिरफ्तार, मंत्री ने कुर्द PKK पर लगाया आरोप। तुर्की के इस्तांबुल के लोकप्रिय एक जगह पर बड़ा बम धमाका हुआ। बता दें कि मामले में संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक तुर्की के आंतरिक मामलों के मंत्री सुलेमान ने इस गिरफ्तारी की जानकारी दी है। बता दें कि सुलेमान ने इस हमले की कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी कि PKK पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हमारी शुरुआती जांच से पता चलता है कि इसके पीछे PKK आतंकी संगठन का हाथ है। हालांकि जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है अभी तक उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। मंदिर के साथ मस्जिद भी हो रही तैयार। बता दें कि घनीपुर मस्जिद का निर्माण दिसंबर 2023 तक पूरे होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में मुसलमानों को दी गई जमीन पर मस्जिद का निर्माण दिसंबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीदें हैं। ये जानकारी मस्जिद निर्माण का कार्य कर रहे इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ट्रस्ट ने दी है। बता दें कि अगर ऐसा हुआ तो एक संयोग होगा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण मुकम्मल होने के आसपास ही मस्जिद के ढांचे की भी तामीर पूरी हो जाएगी। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए punjabkesari.com।